पड़ रही भयानक गर्मी से जहां पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है, वहीं पर तपती गर्मी में लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पानी की उचित व्यवस्था न होने के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लुधियाना रेलवे स्टेशन पंजाब के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है, जहां रोजाना सैकड़ों ट्रेनों का आगमन होता है और हजारों की संख्या में यात्री देश के अलग अलग क्षेत्रों से आते और जाते हैं। इसके अलावा लुधियाना रेलवे स्टेशन व्यापारिक गतिविधियों के तौर पर भी अहम है। यहाँ की हौजरी, साइकिल और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसकी आवाजाही में रेलवे की मुख्य भूमिका है। लेकिन यहाँ ठंडा और साफ पेयजल न मिलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का आरोप है कि रेलवे स्टेशन पर लगे नलों में या तो पानी नहीं आता, जिनमें थोड़ा बहुत पानी आता है वे बहुत ही गर्म होता है। यहाँ तक स्टेशन पर करीब 7 वाटर वेंडिंग मशीनें भी लगी हैं, जिनसे बहुत उचित रेट पर पेयजल मिलता है, लेकिन वे भी काफी हद तक खराब हैं और यात्रियों को ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा ट्रेनों के मुकाबले यात्रियों की ज्यादा भीड़ होने के चलते आरक्षित कोच भी फुल होकर जा रहे हैं और भारी गर्मी के बावजूद यात्री कोच में सामान की तरह फंस कर अपने गंतव्य स्थलों को जाने को मजबूर है।